हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद गिरजा। आज की रेसिपी है शैलोट सांबर। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम किया है, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा उड़द का दाल। इससे पहले मैंने दाल को दो विसल आने तक कुक करके एक साइड में रखा हुआ है। जैसे ही दाल थोड़ी सी ब्राउन हो जाती है तो हम इसमें डाल देंगे फ्रेश कोकोनट जो मैंने पहले से ही ग्रेट करके रखा है, थोड़े से गार्लिक पॉड्स और शैलट्स, और इसे अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मीडियम फ्लेम में गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, इससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए, ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया, इसमें अब डाल देते हैं हींग। हींग मैंने यहाँ पर एलजी ब्रांड का लिया है, बहुत ही बढ़िया हींग है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मेथी पाउडर जो मैंने पहले से ही रोस्ट करके पीस के रखा हुआ था, और इसे थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे पीस के रेडी कर लेंगे पेस्ट। तो ये रेडी हो जाएगा हमारा सांबर मसाला पेस्ट। इसकी खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है अभी से। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया उसमें मैंने सरसों डाला है। जैसे ही सरसों फूट जाता है इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे सूखी हुई मिर्च। सूखी लाल मिर्च डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर चला देंगे। इसके बाद हम तुरंत ही इसमें डाल देंगे शैलट्स और करी लीव्स, और इसे मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई होने देंगे। थोड़ा हम इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे। दाल को बॉईल करते समय हमने नमक डाला हुआ है, इसलिए बाद में चेक करने के बाद डालेंगे। तो हल्दी हम इसमें डाल देते हैं। शैलट्स को हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टोमेटोस जिसे मैंने यहाँ पर बारीक काट के रखा हुआ है। दो से तीन मिनट में शैलट्स जो है थोड़े फ्राई हो जाएंगे, कुक हो जाएंगे, और इसके बाद हम इसे इसमें ऐड करेंगे टोमेटोस। चलिए, इसमें टोमेटो डाल देते हैं। टोमेटो डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे और कवर करके इसे हम लो फ्लेम में कुक होने के लिए छोड़ देंगे। टोमेटो को हम सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। चलिए, टमाटर जो है अच्छी तरह से
सॉफ्ट हो गया है, कुक हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मसाला पेस्ट जो हमने रेडी करके रखा था। इसकी खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है अभी कि पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि आप सांबार बना रहे हैं। मसाला हमने इसमें डाल दिया है। आप सांबार कोई भी वेजिटेबल्स के साथ में बना सकते हैं, आप उसमें मूली डाल सकते हैं। मूली डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है सांबार में। यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा इमली का पल्प, बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है सांबार में, इमली का पल्प, मेथी पाउडर और हींग। ये तीन इंग्रेडिएंट जो है इसके बिना सांबार बन ही नहीं सकता है। अब इसमें डाल देंगे बॉयल किया हुआ तुअर का दाल, जिसे अरहर की दाल भी बोला जाता है, और पानी ऐड करेंगे राइट कंसिस्टेंसी के लिए। तो इसमें मैं डाल देती हूँ पानी। अब हम इसमें सॉल्ट टेस्ट कर लेंगे, अगर कम हुआ तो थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अब इसे कवर करके लो फ्लेम में हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो 2 से 3 मिनट इसे हम कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद बहुत ही बढ़िया डिलीशियस सांबार बन के रेडी है, शैलट सांबार। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, और इसे एंजॉय करें इडली डोसा या राइस के साथ। आप इसे चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप रेसिपी ट्राई ज़रूर किया करें और मुझे अपने अनुभव शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें कमेंट सेक्शन में। आपकी एक एक कमेंट से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, तो कमेंट ज़रूर करें, ट्राई ज़रूर करें। अगर रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। मैंने इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। सर्व करने से पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तड़का देती हूँ, करी लीव्स, ड्राई चिली और सरसों का कोकोनट ऑयल में। थैंक यू सो मच।